हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप देखने को पा रहे हो कि आज हम आपके सामने लेके बैठे हैं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई को बड़े ही मज़ेदार तरीके से अच्छे ढंग से समझने वाले हैं हम लोग। तो आप तैयार हो जाइए ह्यूमन आई को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आज फिर से आपके लिए लेकर उपस्थित हुए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है ना, पहले आज हम जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में और ह्यूमन आई के प्रत्येक पार्ट के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगा क्लास 10th या 12th के लिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हो एक मतलब कि ह्यूमन आई हमने बनाई है, और अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ह्यूमन आई है जो आपके जैसी है। ठीक है ना, और ये ह्यूमन आई का ये सामने वाला पार्ट मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया है। ठीक है ना, ए मारी मतलब कि पूरी ह्यूमन की आई है, और ये सामने का पार्ट है, और ये जो बड़ा देख रहे हो ना ए वाला पूरा, उसके हम लोग अंदर जाके बात करेंगे। ठीक है ना, और मैंने बोला ना खाली अपनी पढ़ाई से संबंधित, चूँकि डॉक्टरी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि हम आगे पढ़ाई करेंगे, इसमें खाली आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है ना, देखो जरा बेटा, देखो अपनी आई देखते हो तो कुछ ऐसी होती है। ठीक है ना, अपनी आई कुछ देखते हो तो ऐसी होती है ना, और मैं आपको बता दूँ ना तो आई में जो कलर देख रहे हो ना, ये मतलब कि थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का, थोड़ा बैगनी बैगनी टाइप का जो कलर देख रहे हो ना, और ये छोटा सा होल भी इसमें है। ठीक है ना, जानते हो ये जो हरा कलर का देख रहे हो ना, यहाँ पे हरे कलर का है, और यहाँ पे कुछ मतलब कि पीले कलर का है, इसे बोलते हैं आयरिस। इसे क्या बोलते हैं? आयरिस। यानी कि अगर आप किसी की अगर आँखों को मतलब कि हरा देख रहे हो, इसका मतलब कि आप कह सकते हो सर उसका जो आयरिस है ना उसको बोलते हैं आयरिस। आयरिस जो आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, वो क्या है? हमारा आयरिस है। तो आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि आयरिस आँख में एक ऐसा अवयव है जो हमारी आँखों के कलर को बताता है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? आयरिस। आयरिस क्या होता है? हमारे आँख में एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी आँखों के कलर को बताता है। किसी का आयरिस ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो जो आपने देखा ये आयरिस हो गया, चलो ठीक कोई बात नहीं, ये आयरिस हो गया हमारा। और यार आयरिस के बीच में छोटा सा नन्ना सा काला सा क्या दिख रहा है? अगर आप किसी की आँख ध्यान से देखो ना तो आपको दिखेगी, हाँ उसमें छोटा सा नन्ना। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है ना बेटा, ये मैं इनको जूम कर रहा थोड़ा सा, एक मिनट। तो आप देखो जरा इनको, ये देख सकते हो बढ़िया से। तो देख रहे हो ना, ये जो आप देखने को यहाँ पे पा रहे हो, ये जो छोटा सा है ना, ये छोटा सा, इसे बोलते हैं प्यूपिल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल मीन्स बेटा बता दो, होता है पुतली। प्यूपिल मीन्स क्या होता है? पुतली होता है। जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा, इसे बोलते हैं पुतली। ये हमारी आँखों की पुतली होती है। और वास्तव में बता दूँ आपको ना, तो पुतली के सहारे ही मतलब कि जो लाइट रे होती है ना वो अंदर जाती है। मैं बता दूँ पहले, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट पे। आप समझ, दो बातों आप समझ गया ना कि पहली बात तो हमारी जो आँखों की आयरिस होती है, हमारी आँखों का मतलब कि रंग बताती है किस रंग का हमारी आँखें हैं, और जो उनकी भी छोटा सा होल दिख रहा है ना उसे बोलते हैं पुतली बोलते हैं, उसे प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है ना, प्यूपिल क्या करता है बताएंगे भी आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ए रुको, पर इनको छोटा करते हैं हम लोग, ए इनको हटाते हैं थोड़ा सा, छोटा करके हटा दो यहाँ से इनको, और हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर इनको मिटा दे बेटा, नहीं जी, पुतली हो गया और आयरिस हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे इस वाले भाग में आ जाओ, इस वाले भाग में जो ये देख रहे हो ना ए वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं कॉर्निया। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये जो है ना एक कॉर्निया होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, ए हमारा ए है कॉर्निया, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है यार? कॉर्निया मतलब कि देखो, ये पहली बात तो जानो कि पूरा एक गोलक है नेत्र का, ये जो पूरा देख रहे हो ना ये, इसे बोलते हैं नेत्र का गोलक बोलते हैं। इसे बोलते हैं नेत्र का गोलक है पूरा, ठीक है ना। और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यह एक बेटा पारदर्शक माध्यम होता है, यहीं से सारी प्रकाश यहीं से सारी प्रकाश अंदर जाती है, यानी कि जो भी लाइट रे आती है वस्तु यहीं से अंदर जाती है। ठीक है ना, यानी कि अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया से होता है। अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है बच्चों? कॉर्निया से होता है। चलो अच्छा, अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा,
देखो अब कॉर्निया के बाद प्रकाश जाता है आयरिस पे, कहाँ जाता है प्रकाश? कॉर्निया के बाद आता है आयरिस पे। और आयरिस जो है ना, आयरिस एक मतलब की कह सकते हो एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। आयरिस क्या होती है? एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, यानी कि कॉर्निया सारे जब प्रकाश होके आयरिस पे जाते हैं तो आयरिस में कुछ प्रकाश के रंगों का अवशोषण हो जाता है और कुछ का परावर्तन हो जाता है, ठीक है ना? और चूंकि बेटा जब कॉर्निया देखो, अगर देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये अगर आप देख सकते हो तो देखो जरा, यहाँ पे ये हवाला पोर्शन, ये हवाला पोर्शन, यही आयरिस है जो आप ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये आयरिस है। और आयरिस के अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, यही बेटा प्यूपिल है हमारा, ये पुतली है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया के माध्यम से देखो अंदर अगर जा रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब कि कुछ किरणें तो मतलब कि आयरिस से टकरा के वापस चली गई या कुछ अवशोषित कर ली गई, जो बचता है ना वो बेटा प्यूपिल के अंदर से होकर जाता है। और प्यूपिल के अंदर होकर जाता है तो आप समझ सकते हो उसके पीछे यहाँ पे नेत्र लेंस है, इसे बोलते हैं नेत्र लेंस। हालांकि अभी मैं नेत्र लेंस पे पहुंचा नहीं हूँ, मैं आपकी अभी प्यूपिल आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? प्यूपिल आप पढ़ो पहले, प्यूपिल पढ़ ले, पढ़ो बढ़िया से। आप देखो जरा क्या होता है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, इनको थोड़ा इरेज करते हैं एक बार फिर से, एक बार फिर से करते हैं इरेज, इनको इरेज कर दिया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं मजे से, ठीक है? अब देखो जरा, जानते हो यार प्यूपिल जो बड़ा कमाल का चीज है, प्यूपिल क्या करता है कि नेत्र पुतली को जो है ना, पुतली प्यूपिल को छोटा बड़ा कर सकता है। देखो आप जब कभी धूप में जाते हो, तो धूप में जाते हो तो आपके मतलब कि अंदर जो होता है ना प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, तो आयरिस क्या करता है कि आपकी आंखों में नॉर्मल प्रकाश की मात्रा है, आयरिस क्या करता है प्यूपिल को छोटा कर देता है। देखो जरा जो आयरिस है ना, प्यूपिल को छो यानी कि आयरिस सिकुड़ के प्यूपिल को छोटा कर देता है। यानी कि जब आप अधिक प्रकाश वाले माध्यम में होते हो तो प्यूपिल जब छोटा हो जाएगा तो आपके आंखों के अंदर कम प्रकाश जाएगा, वस्तु को देखने के लायक जाएगा बस, तो आपकी आंखों को इंजर्ड नहीं होने पाएगा। अगर मान लो अचानक बहुत प्रकाश में चले जाओगे, प्यूपिल छोटा नहीं कर पाएगा, मतलब कि आयरिस प्यूपिल को छोटा नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश अंदर पहुंच जाएगी, और जब बहुत ज्यादा प्रकाश अंदर पहुंच जाएगी तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट टाइम क्या करता है प्यूपिल ना, पुतली को बड़ा करता है, छोटा करता है। लेकिन छोटा कब करता है? जब आप अधिक प्रकाश में होते हो। लेकिन इसका उलट, जब आप मान लो अंधेरे में होते हो, अगर आप अंधेरे में हो तो आपको देखने के लिए आपके अंदर प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होना चाहिए ना, तो उस समय आयरिस क्या करता है पुतली को बड़ा कर देता है, इसको बड़ा कर देता है। उस समय आयरिस क्या करता है पुतली को ऐसे कुछ ऐसे बड़ा कर देता है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर मोर देन लाइट रे क्या होगी, जाएगी। और जब लाइट रे मोर देन जाएगी तो बेटा ज़्यादा जब अपवर्तन होगा तो आप अच्छे से किरणों मतलब कि वस्तु को देख पाओगे। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में होते हो तो ये छोटा हो जाता है कुछ ऐसा, ए कुछ ऐसा कह सकते हैं, रुक जाइए, ऐसा। लेकिन आप जब बहुत मतलब कि अंधेरे वाले लाइट में होते हो तो उसमें क्या होता है कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो जरा मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब देखो आगे यहाँ पे है, यहाँ पे पोर्शन देख रहे हो ना, तो उसके आगे यहाँ पे लेंस है, लेंस है, ठीक है ना? लेंस इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, इसे बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? अभी दिख नहीं रहा क्या? चलो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा नेत्र लेंस इसे बोलते हैं, ठीक है? अब देखो जरा नेत्र लेंस क्या करता है। नेत्र लेंस भाई ये उत्तल प्रकृति की होती है। नेत्र लेंस कैसी होती है? उत्तल प्रकृति की होती है। और जो ये नेत्र लेंस हमारा है ना वो उत्तल होता है, लेकिन जानते हो जलीय द्रव का बना होता है, यानी कि ये छोटा बड़ा हो सकता है। अब जानते हो जो नेत्र लेंस होता है वह, देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो मैं कलर फिर से चेंज करता हूँ एक बार, ब्लैक लेते हैं, ठीक है? अब देखो जरा ये जो है ना, यह पोर्शन देख रहे हो और यह पोर्शन देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? पश्चमाभि मांसपेशियां, ध्यान दीजिएगा, पश्चमाभि मांसपेशियां बोलते हैं। यानी कि नेत्र लेंस कहाँ पे होता है? पश्चमाभि मांसपेशियों के बीच में होता है। नेत्र लेंस कहाँ पे होता है? पश्चमाभि मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है, ठीक है ना? पश्चमाभि मांसपेशियां क्या करती हैं, कभी कभी इनको मतलब कि सिकोड़ सकती हैं या बड़ा कर सकती हैं। पश्चमाभि मांसपेशियां क्या करती हैं, इनको देखो जरा ऐसे ऐसे बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं। यानी कि ए मतलब कि मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा इसमें, लेकिन ए मांसपेशियाँ ए वाली और ए वाली इनको छोटा बड़ा करते रहते हैं। जब वस्तु पास होती है ना तो ए इनको छोटा कर देती हैं, और जब वस्तु दूर होती है ना तो मांसपेशियां इनको बड़ा कर देती हैं, ठीक है ना? यानी कि जो नेत्र लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कह सकते हो जलीय द्रव का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है बेचा, बट
मतलब कि अब मांसपेशियां या तो उनको अगर वस्तु पास होगी तो छोटा कर देंगी, फोकस को कम कर देंगी, और अगर वस्तु दूर होगी तो उनको बड़ा कर देंगी फैला के, और हमारी रेटिना पर इमेज को बनाएंगी। रेटिना कहाँ पे है अभी आपको दिखाना पड़ेगा हमको। देखो जरा, प्रकाश आई यहाँ से अंदर जाएगी, ऐसे 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 जाएगी, ऐसे अंदर जाएगी। तो देखो अभी बेटा यहाँ पे सबसे जो अंदर वाला भाग देख रहा हो ना, यहाँ पे अंदर वाला भाग है, ए अंदर वाला भाग, इसे बोलते हैं रेटिना। इसे क्या बोलते हैं? रेटिना। किसी वस्तु का इमेज बनता है रेटिना पर, किसी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ध्यान देना, किसी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना पर बनने का मतलब कि ऐसे किरणें आएंगी वस्तु से चल चल के, और ऐसे रेटिना पर बन जाएगा इमेज। हम यहीं पर देखते हैं, देख दो बेटा, ये पूरा प्लेट जो है ना, ये पूरा प्लेट रेटिना का ही तो है, अंदर वाला भाग, केवल अंदर वाला, इसे बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या करता है मैं आपको बता दूं, तो बेटा रेटिना मतलब कि एक ऐसा भाग है जिसपे वस्तुओं से जो किरणें चलती हैं वहीं पे आके कटती हैं, और वहीं पे वस्तु का इमेज बनता है, ठीक है ना। अच्छा रेटिना देखो जरा, रेटिना के बाहर जो है ना, ए वाला परत, रेटिना के बाहर जो ए वाला परत रंगीन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं रक्तक पटल, यानी कि कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड। इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में रक्तक पटल बोलते हैं। समझ सकते तुम्हारी बात को ना? रक्तक पटल क्या करता है देखो जरा, मान लो यहां से रे आई, रंग बिरंगा रे आई अपना, तो रक्त रेटिना पे होगी, इमेज तो बन जाएगा। उसके बाद जो रे होगी ना, कलरफुल रे, वो चूंकि रक्तक पटल जो होता है ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है? ब्लैक कलर का। उसके बाद वो सभी प्रकाश के रंगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अरे भाई देखो, रेटिना को पार करेगी तो रे कहीं जाएगी ना, रे का फिर से कोई आंतरिक परावर्तन ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन लगी होती है, उसे रक्तक पटल बोलते हैं, ठीक है ना। रक्तक पटल आपको याद होना चाहिए कि रक्तक पटल क्या होता है, मतलब कि काले रंग की झिल्ली मेम्ब्रेन होती है जो मतलब कि कलरफुल रेज को अवशोषित कर लेती है, सभी रेज को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, क्योंकि ब्लैक कलर की होती है, ठीक है ना। और देखो इसके बाहर क्या देख रहा है बेटा, ए वाला जो है ना, ये बाहरी पटल, इसे बोलते हैं दृढ़ पटल। इसे क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जो हमारे नेत्र को, दृढ़ पटल हमारे नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जो हमारे नेत्र को बचाता है बाहरी घावों से, बाहरी चोटों से, क्योंकि बहुत कठोर होता है, ठीक है ना। ये वाला जो पटल होता है बाहर वाला, ये बहुत कठोर होता है जो हमारी आँखों को बाहर के घावों से बचाता है, यानी कि चोट लगने से बचाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या देखा बेटा? आपने देखो, आपने आयरिस पढ़ लिया, आपने प्यूपिल पढ़ लिया, आपने कॉर्निया पढ़ लिया, आपने लेंस पढ़ लिया, और आपने रेटिना पढ़ लिया, और आपने कोरोइड भी पढ़ लिया, और आपने दृढ़ पटल पढ़ लिया, मतलब कि दृढ़ पटल की इंग्लिश होती है बेटा स्क्लेरोटिक, ठीक है ना। अब देखो जरा, वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखो जो जानते हो, अब चूंकि बात आती है बेटा, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि रेटिना किस चीज़ का बना होता है, तो रेटिना बना होता है बेटा दृष्ट नाड़ियों से। किससे बना होता है, मतलब कि अगर कोई कहता है रेटिना किससे बना होता है, तो किससे बोलोगे? दृष्ट नाड़ियाँ, ऑप्टिक नर्व्स। किससे बने होते हैं? ऑप्टिक नर्व से बने होते हैं। दृष्टि नाड़ियाँ क्या होती हैं? जो मतलब कि लाइट को सेंस करती हैं, लाइट को मतलब कि प्रकाश किरणें जो वहाँ पे पड़ती है ना, उसको बताती हैं कि हाँ तेरे अंदर प्रकाश आई है, और इस वस्तु का इमेज बना है। और रेटिना के बाद जानते हो, अब आपको बता दूं बेटा, एक होता है येलो स्पॉट, यहीं पे होता है रेटिना के बीचों बीच, क्या होता है? येलो स्पॉट होता है, यहाँ कहीं ये ऐसा, यहाँ कहीं एक होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे माना जाता है कि बेटा बनने वाला जो वस्तु का इमेज है ना, वो बहुत टॉप बनता है, सबसे टॉप येलो स्पॉट पे इमेज बनता है, ठीक है ना। और यही होता है एक अंधबिंदु होता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? ये बेटा हमारे माइंड को, ब्रे यहाँ से जो नर्व्स जुड़े हैं ना, यहाँ से हमारे माइंड को जाती है सूचना कि हाँ तो कुछ बना यहाँ पे, वो कौन करता है? अंधबिंदु सूचना देता है। अंधबिंदु क्या करता है बच्चों? वो सूचना हमारे माइंड को देता है कि हाँ तुम्हारे आई के अंदर मतलब कि रेटिना पर कुछ बना है। और येलो स्पॉट क्या होता है? यहाँ पे इमेज सबसे टॉप बनता है। अच्छा एक बात देखो जरा, यहाँ पे जो ए वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं कांचाव द्रव। क्या बोलते हैं बच्चों? कांचाव द्रव बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं कांचाभ द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। कांचाभ द्रव क्या होता है? यह मतलब कि कह सकते हो यार, ये पानी होता है, पूरा का पूरा पानी कह सकते हो। कांचाभ द्रव जो होता है ना, ये आपके नेत्र लेंस को गोल रखने में सहायता करता है, कि गोल सा बना रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये ऐसा मतलब कि विट्रस है ना, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, कांचाभ द्रव बोलो आप हिंदी में इसको, मतलब कि हमारे नेत्र को शेप देने में बढ़िया रहता है। मान लो ना रहे तो चपुक से पूछ जाएगा नहीं, लेकिन बढ़िया मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इसको बना के टाइट रखता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कांचाभ द्रव। और एक बात इसी में होती है, जली द्रव होती है बेटा। देखो जरा, कार्निया और प्यूपिल के बीच में, ठीक है ना, कार्निया और प्यूपिल के मतलब नेत्र लेंस के बीच में कह सकते हो, कार्निया हमारा यहाँ पे है और ये हमारा नेत्र लेंस, इसके बीच में भी एक मतलब कि जल भरा होता है। इसमें इस वाले में जो द्रव होता है ना, उसमें 99.9%
परसेंट 99.9% क्या होता है, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। बाकी 0.1% सॉरी मैंने क्या बोला, 99.9% जल होता है, बाकी 0.1% प्रोटीन या विटामिन होते हैं, ठीक है ना। देखो दो द्रव होते हैं, एक होता है कांचा द्रव, एक होता है जली द्रव। जली द्रव कहाँ पाया जाता है बेटा, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में पाया जाता है, यहाँ से यहाँ के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। और जो हमारा ये होता है कांचा द्रव, ये देखो मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। अब कांचा द्रव क्या करता है, हमारे नेत्र को शेप देने में बढ़िया रहता है, और प्यूपिल और सॉरी ये कह सकते हो मतलब कि ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो जो द्रव भरा होता है हमारी आंखों को एनर्जी दे सकता है, कह सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो बच्चों आई हमारा पार्ट खत्म हो गया, हमने आई के बारे में सबको जान लिया। तो आप इसके नोट्स को आगे हमारी कॉपी से मतलब कि हमारे नोट्स से उतार सकते हो बढ़िया से, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। एक बात और जान लो कि इस कांचाप द्रव या जली द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है लगभग। कांचाप द्रव या जली द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है लगभग बेटा, 1.33 होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ओके, तो आपने इस बात को बढ़िया समझ लिया, तो बेटा चलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता पे। आप तो नोट्स को उतार लो, तो फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक आपने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में देखा और अच्छे से जाना कि आँख के कौन से पार्ट कौन कौन से वर्क करते हैं, आपने यह सब जाना। तो अब हमारी टॉपिक है मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकमंडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि समंजन क्षमता क्या होती है ना। तो अगर मैं मोटी मोटा आपको बता दूँ इसकी परिभाषा, तो बता तो दूंगा, लेकिन बताने से पहले ना मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये मतलब कि समंजन क्षमता होती क्या है, आपको डीपली जानना है। पढ़ाई तो कर रहे हो तो बढ़िया से जानना जरूरी है आपके लिए ना, तो मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ कि समंजन क्षमता क्या होती है मानव नेत्र की। अच्छा देखो जरा, आप किसी भी वस्तु का इमेज देखते हो, मान लो आप मेरे आगे मार्कर, तो मार्कर मैं देख ले रहा हूँ। मार्कर को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मार्कर का इमेज हमारी आंखों में बन रहा है, और इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, जैसा कि आप देख के अभी आ रहे हो। अगर रेटिना पर इमेज बनेगा तो हमको वस्तु दिखाई देगी, और अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा तो वस्तु दिखाई देने वाली नहीं है। तो और आप जानते हो इमेज बनने के लिए वस्तु से किरणें चलती हैं, और जो हम लोग बनाते हैं दो किरणों के द्वारा हम वस्तु का इमेज ड्रा कर लेते हैं। कोई दो आपने लेंस में देखा, दर्पण में देखा, दो किरणें वस्तु जलाते थे, उसका कहीं जब कट जाता था मतलब जहाँ पे दोनों रे आपस में कटते थे वहीं पे उसका इमेज बनता था। तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ से रे चलती है, हमारी आंखों के रेटिना पर रे कटती होगी तो वहीं पर इमेज बनता है और वहीं पर हम लोग देख पाते हैं। तो आप यह बात वाली भांति जानते हो कि जब इमेज बनता है रेटिना पर तब हम उसको स्पष्ट ढंग से देख पाते हैं, अन्यथा देख नहीं पाते हैं, है ना, ये पता है। अच्छा आप जानते हो कि अगर हमारे पास एक लेंस है यार ना, तो समझो मेरी बात को पहले, देखो मेरे पास अगर एक लेंस है तो एक लेंस का कितना फोकस होगा यार, एक ही तो फोकस होगा, है ना। देखो जरा एक लेंस का एक ही तो फोकस होगा, तो यहाँ वाला ऐसे मान लो कोई रे जाएगी, हम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, एक लेंस का तो एक ही फोकस होता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अपनी जो आँख है ना, यहाँ वाली वस्तु को दिखा रही है, आगे वाली को भी दिखा रही है, आगे वाली को भी दिखा रही है, आगे वाली को भी दिखा रही है, सभी वस्तुओं को दिखा ले रही है, यानी कि इसके पास कितने फोकस है। और एक बात और जान लो कि मतलब कि आप जिस वस्तु को फोकस करते हो ना उसी को देख पाते हो, आप जिस वस्तु को फोकस करते हो उसी को देख पाते हो। तो मेरी आँख में केवल एक उत्तल लेंस है, तो हमको लगता है कि एक ही फोकस होगा, लेकिन नहीं। आपको पता है ना अपने आँख में जो उत्तल लेंस होता है ना, वो मतलब कुछ जलीय द्रव जैसा होता है, वो छोटा बड़ा होता रहता है। अगर छोटा होगा तो फोकस कुछ और होगा, अगर बड़ा बन जाएगा तो फोकस कुछ और हो जाएगा, मतलब कि अपने हिसाब से वो छोटा बड़ा हो, वस्तु को देखने के लिए ना अपने हिसाब से
हमारे लेंस का फोकस बदलता रहता है पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा। कभी मांसपेशियां बड़ी कर देती हैं लेंस को, कभी छोटी कर देती हैं। अगर पास वाली वस्तु को देखना है तो लेंस छोटा हो जाता है, अगर दूर वाली वस्तु को देखना है तो लेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये छोटा बड़ा करता कौन है? पश्चिमाभी मांसपेशियां, जिनके अंदर नेत्र क्या होता है, बैठा रहता है। अगर हमको दूर की वस्तु दिखानी है ना तो बड़ा कर देती है उसको, अगर पास की वस्तु दिखानी है ना तो उसे छोटा कर देती है। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं, मैं आपको और डीपली बताने जा रहा हूँ, पहले मैं इसको मिटाता हूँ। समंजन क्षमता बताने जा रहा हूँ बेटा, मैं आपको ध्यान से देखिएगा। अच्छा मान लो मेरे पास दो वस्तु कोई हो, मान लो हमारे पास एक पेन और एक मार्कर है। जब मैं पेन को देख रहा हूँ ना तो मुझे मार्कर ब्लर दिखाई दे रहा है, जब मैं पेन को देख रहा हूँ तो मुझे मार्कर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, और जब मार्कर को देख रहा हूँ ना तो मुझे पेन दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक बार में केवल एक ही वस्तु को देख पाओगे, एक बार में या तो मम्मी को देखो या तो पापा को, दोनों को साथ देखना मुश्किल है, तो फोकस नहीं कर पाओगे। हाँ देख तो लोगे बट फोकस नहीं कर पाओगे, एक बार में केवल एक ही वस्तु को फोकस कर पाओगे। और हमारी जो नेत्र लेंस वो छोटा बड़ा होती रहती है, तमाम फोकस इसके पास होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जब मैं दूर रखी किसी वस्तु को देख रहा होता हूँ तो पास वाली को नहीं देख पाता हूँ, और जब मैं पास वाली को देख रहा होता हूँ ना तो दूर वाली को नहीं देख पाता हूँ, है ना। अब देखो जरा इसका मैं आपको बनाना हूँ रे डायग्राम। देखो ये हमारा होता है लेंस आई का, और ये चलो मान लिया हमारा क्या है, रेटिना है, ठीक है ना। और यहाँ पे चलो बनाते हैं कोई मुख्य अक्ष बनाते हैं। देखो मैं इस समय दूर वाली वस्तु को फोकस कर रहा हूँ, दूर वाली वस्तु को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अगर दूर वाली को मैं फोकस कर रहा हूँ तो दूर का दिखेगा भी मुझसे, आज मतलब कि बहुत दूरी पर पेड़ है, मैं उस पेड़ को देख रहा हूँ तो बीच में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बीच में सब ब्लर दिखाई दे रहा है, सब ब्लर है, मैं अस्पष्ट ढंग से बीच वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं पेड़ को देख रहा हूँ। तो देखो अनंत में वालों को ये पेड़ है, और अनंत तो जानते ही हो यार, इतना छोटा सा आँख है तो 100 मीटर 200 मीटर उसके लिए अनंत हो जाएगा। इतनी छोटी सी हमारी आँख है उसके लिए 200 मीटर अनंत नहीं हो जाएगा, 100 मीटर अनंत नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अनंत होता है ना वो मतलब कि रिलेटिव में होता है अनंत, कि यहाँ इतना छोटी की तुलना में उतना बड़ा, यहाँ पे एक चींटी दौड़ा छोटा सा ना इस चींटी के लिए पूरा अनंत हो जाएगा, ये तो पूरा अनंत है उसके लिए। तो मतलब ये अनंत वाली तुलना में ऐसी नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुंबई में अनंत मिलेगा या सऊदी अरब में जाके अनंत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो जब मैं दूर वाली वस्तु को फोकस कर रहा हूँ ना तो आप जानते हो कि ये मान लो अनंत पे है, तो अनंत से चलने वाली किरणें पैरेलल होती हैं, आपको मैंने कई बार हटाया है। तो देखो पहली किरण जो कि ऐसे चलेगी ऐसे गुजर जाएगी, क्योंकि इस वस्तु को मैं देख पा रहा हूँ, मैं दूर वाली को देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? रेटिना पर। रेटिना पर बनाने के लिए देखो जरा, एक किरण ऐसे गई होगी, यहाँ काटी होगी, ऐसा एक काटी होगी। मुझे नहीं पता फोकस कहाँ है, मुझे पता नहीं फोकस कहाँ है, लेकिन मुझे पता है वस्तु दिख रही है, यानी कि फोकस यहीं पे है ना। वस्तु क्यों दिख रही है? कि आप फोकस कर ले रहे हैं वस्तु को, और वस्तु को जब फोकस कर लोगे ना तो वस्तु आपको दिखाई देगी, सीधी सीधी बात है दिखाई देगी आपको। तो यहाँ से पहली किरण तो मैंने गुजार ली, ऐसे ही दूसरी वाली गुजारी तो हमको लगा वस्तु दिख रही है मेरे को, वस्तु मेरे को दिख रही है, यानी कि दोनों ओर आपस में कट कर रहे होंगे, और कट कभी करेंगे जब ये यहाँ से जाएगा, तो ये वाला हमारा फोकस हो गया इसके लिए। जब मैं दूर वाली को फोकस करता हूँ ना तो फोकस यहाँ पर बन गया, है ना, तब मैं वस्तु को देख पा रहा हूँ। लेकिन इसके बीच में देखो पेड़ के पीछे मार्कर ही मैंने ला दिया, लेकिन मैं फिर भी पेड़ को देख रहा हूँ, तो मार्कर के साथ क्या हो रहा होगा, ये मुझे ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखो बीच में मार्कर मेरे पास है, अब यहाँ पे आप जानते हो चूंकि ये तो पास आ गई, अब जब इसको आप देख रहे थे तो फोकस तो यहाँ पे क्लियर हो गया था। तो पहली किरण जो मुख्य समांतर चलती है फोकस से होकर जाती है, चलो हो गया। दूसरी किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जा रही है, बताओ क्या ये दोनों रे कहीं कट किए? ये वाला कहीं कट किया? नहीं किया ना, क्योंकि हमारी आंख के पास एक ही फोकस है यार, एक बार में एक ही फोकस है ना उसके पास, एक बार में केवल एक ही वस्तु को दिखा पाएगी, इनको नहीं दिखा पाएगी, यानी कि हमको दिखाई देगा। जब मैं इसको देखूंगा ना तो फोकस यह तय कर चुका होगा, फोकस हमारे लिए यही रहेगा, और बीच वाले के लिए बात ब्लर हो जाएगी, देखो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। मैंने क्या बोला, जब मैं एक वस्तु, मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, जब मैं एक वस्तु को देख रहा होता हूँ ना तो एक ही बार फोकस, मतलब कि जब मैं एक वस्तु को देख रहा हूँ तो फोकस एक तय हो जाता है, जब मैं दूर वाली को देख रहा हूँ तो इसने फोकस तय कर लिया है कि यहीं पे रहेगा,
बन गया हो, ये छोटा बड़ा जो होना था हो गया अपना मांसपेशियों के हिसाब से, और इस वाले को मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि फोकस तो पहले बना चुका है, इनका फोकस भी यही वाला तो होगा क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं वही फोकस बनाता है, ध्यान देना, जिसको हम देख रहे होते हैं ना फोकस वही बनाता है, तो फोकस इनका बन चुका है यार, तो ये कहाँ देख पाओगे इसको, नहीं तो देखो कहीं कट नहीं करेगा, कहीं पीछे काटेगा, पता नहीं कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं इसको नहीं देख पाता हूँ। अच्छा देखो जरा, और जब मैं पास वाली को देख रहा हूँ ना, देखो जब मैं पास वाली वस्तु को फोकस कर रहा हूँ तो दूर वाली हमको दिखाई नहीं देगी बेटा, वो कैसे हो रहा है देखो जरा, ये मान लो हमारा लेंस है और इसका रेटिना यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो अब कि मैं पास वाली को फोकस करता हूँ, ये पास वाली वस्तु यहाँ पे है ना, इसको मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो इसका कारण क्या है कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पर बन रहा होगा। देखो पहला किरण जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है ऐसे निकल जाता है रेटिना, यहीं पे हमको कट कराना है, जबरदस्ती नहीं करा रहा यार, मैं देख रहा हूँ तब करा रहा हूँ। देखो फोकस क्या होने वाला है, द्वितीय किरण जो मुख्य अंतर चलती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा देखिए फोकस यहाँ पे आ गया यार, फोकस यहाँ पे आ गया आपकी बार। अच्छा तुमको तुम लग रहा है ना, तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ का है तुम काट दिए, क्योंकि बेटा मैं इस वाली इमेज को देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, ये देखो कटा तो इमेज बना ना, इसको मैं देख रहा हूँ, तो बेटा मान लो फोकस यहाँ कर दोगे तो यहाँ गुजर जाएगा, तो कहाँ इमेज तुम बना पाओगे, तो देख ही नहीं पाओगे। मैं ये जान चुका हूँ कि यह पास वाली वस्तु मुझे दिखाई दे रही है, तो दिखाई अगर दे रही है तो क्योंकि इसके दोनों रेज रेटिना पर कट कर रहे होंगे, और रेटिना पर काटने के लिए जिस बिंदु को हमको लेना होगा उसी बिंदु को हम लेंगे। अब मैं पास वाली को देख रहा हूँ, अब मैं मार्कर को देख रहा हूँ, पेड़ हमको ब्लर दिखाई दे रहा है, तो अब पेड़ के साथ क्या घटना घट रही होगी, देखो यहाँ अनंत पे पेड़ है, ये पहली रे जो ऐसे चलेगी सीधी गुजर जाएगी, और फोकस तो बन चुका है, यह वाला वस्तु अपना फोकस बना चुका है, इसी को मैं देख रहा हूँ, तो इसके लिए फोकस यही काम करेगा। दूसरी किरण जो कि समांतर चल रही है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, लो देख रहे हो, ये पहली रे हमारी थी इस वाले के लिए और ये दूसरी रे हमारी थी, यहीं पर कट कर गई ना, तो जब रेटिना पर कटा नहीं तो इमेज कहाँ बनेगा, ब्लर होना तय है ना। तो आप जिस वस्तु को देख रहे हो ना वही फोकस तय करता है, समझे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा कि आप जिस वस्तु को मान लो इनको देख रहे हो तो इनका फोकस तय हो चुका है कि यहीं रहेगा, अब इन किसी वस्तु के लिए भी जो भी वस्तु है ना सबके लिए फोकस यही रहेगा, इसीलिए कोई बीच में दिखाई देगा नहीं, सब वहीं से कट करके जाएंगे, कोई इमेज मतलब रेटिना पर बनेगा नहीं तो कहाँ से दिखाई देगा। और जब मैं पास वाले को फोकस कर रहा हूँ तो फोकस यहाँ पे तय हो चुका है यार, यहीं पे रहेगा और कहीं नहीं जाने वाला है, मान लो वस्तु अब कहीं यहाँ पे आ जाए, अब मुझे सब वस्तु दिखाई देती है, सब मैं देखता हूँ, जो ह्यूमन आई होती है ना मान लो हेल्दी है तो कोई खराबी नहीं है, तो यहाँ वाली वहाँ वाली जो भी वस्तु है सबको आप देख लेते हो बड़े आराम से, क्यों, क्योंकि बेटा अब देखो मान लो वस्तु यहाँ पे आ जाए तो अब की बार क्या होने वाला है, अब की अनंत पे तो है नहीं, तो ये पहली किरण जो कि बेटा वक्रता प्रकाशित केंद्र से जाएगी ऐसे जाएगी यहाँ कहीं जाएगी, दूसरी वाली समांतर जाएगी यहाँ कहीं कट करेगी, ये भी हमको दिख गया, अब की फोकस यहाँ आ गया, तो फोकस चेंज हो रहा है, दूरियाँ चेंज हो रही हैं तो फोकस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, दूरियाँ चेंज तो फोकस चेंज हो गया, अब की फोकस यहाँ आ गया यार, तो इसी को तो हम बोलते हैं समंजन क्षमता नेत्र की, कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं, बस फोकस को परिवर्तित करने की क्षमता को मतलब मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मैंने क्या बोला, यही समंजन क्षमता होती है भाई, मैंने क्या बोला, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी को चेंज करने की क्षमता को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर बेटा समंजन क्षमता होना रहे ना तो मैं किसी वस्तु को देख पाऊंगा क्या, नहीं ना, मैं अगर इस वाले को देख पाऊंगा तो उस वाले को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि तो छोटा बड़ा होता रहता है ना, कभी इतना छोटा कभी इतना बड़ा कभी इतना बड़ा कभी इतना बड़ा, मांसपेशियां फैल जाएंगी तो बड़ा हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी तो छोटा हो जाएगा, वो दूरी के हिसाब से होता है, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान सुनो जरा मेरे ज्ञान को, आप जानते हो अगर कोई अब आपसे बहुत दूर स्थित कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए हमारी आँखों को रिलैक्स होना पड़ता है ना, बहुत आराम से देख लेते हैं,
लेकिन मान लो मेरे मार्कर पे छोटा छोटा अक्षर लिखा ना, मैं उनको पास करूँ ना, तो मुझे लग रहा है मेरे आँख में दर्द हो रहा है, दर्द। अच्छा, दर्द क्यों होता है? क्योंकि आँख कोई भी चीज़ जब काम करेगी ना तो दर्द होना लाजमी है यार। काम करेगी तो दर्द का होना क्या है? लाजमी। जब मैं दूर की वस्तु को देखता हूँ तो मेरी आँखों को कम काम करना पड़ता है, जब मैं पास वाली को देखता हूँ तो मेरी आँखों को काम ज़्यादा करना पड़ता है। अब ये कैसे? अगर कोई भी चीज़ बहुत पास करके ला के देखोगे ना तो आपकी आँख जल्दी दर्द करने लगेगी और जल्दी ख़राब भी हो जाएगी। देखो क्या होता है, देखो जब दूर की वस्तु को आप फोकस कर रहे हो, देखना मैं यहीं से दिखा रहा हूँ, जब आप दूर की वस्तु को फोकस कर रहे हो, इस वाले को, अनंत वाले को, तो फोकस यार यहाँ पे है, समझना मेरी बात को, ये रेटिना हमारा है, तो फोकस यार यहाँ पे है, ये कुछ ऐसा। अच्छा देख रहे हो, ये ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन यहाँ पे हुआ, मान लो 20 डिग्री का बेंडिंग हुआ, झुकाव कितना हुआ 20 डिग्री, इतना, अरे ऐसे जा रहा था, थोड़ा झुकाना पड़ा, जब वस्तु दूर बहुत कम झुकाना पड़ा। लेकिन यार जब वस्तु पास आ गई ना, देखो जब वस्तु पास आ गई ना, तब देखो अब की बार यहीं कहीं फोकस बन गया ना अब की बार, ये देखो यार ये तो, अरे रुक जाओ, यहीं से गुजारते, यहीं से इतना बड़ा ले लो, यहीं से, ये कुछ ऐसा यार, यहाँ पे ज़्यादा बेंड करना पड़ा लाइट को, समझ गया होगे तुम तो। मैंने क्या बोला, जब वस्तु पास आई ना तो लाइट को ज़्यादा बेंड करना पड़ा, ज़्यादा बेंड मतलब क्या, ज़्यादा काम करना पड़ा, और जब बेटा ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हमारी आँखों को दर्द होता है ना, इसीलिए बहुत पास रखी वस्तुओं को बेटा देखने में बड़ी कष्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा बेंड लाइट को करना पड़ता है हमारी आँखों को ना, और जब ज़्यादा बेंड करेगी तो तकलीफ़ होगी, और तकलीफ़ होगी तो बताया कि भाई तकलीफ हो रही है, थोड़ा दूर करो वस्तु को, नहीं तो ज़्यादा बेंड मैं नहीं कर पाऊँगी, जल्दी ख़राब हो जाऊँगी। तो इसीलिए जो बच्चे मोबाइल बहुत पास करके देखते हैं ना, उनका दिमाग जो होता है जल्दी टेंशन आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, इसीलिए उसको दूर करके आपको देखना चाहिए, है ना, ताकि आपको आँखों कम काम करना पड़े। तो आप समझ गए होगे यार कि मतलब कि दूर वाली को देखने में आसान क्यों है और नज़दीक वाली को देखने में कठिन क्यों है, क्योंकि नज़दीक वाले के लिए हमारी आँख को ना लाइट को ज़्यादा बेंड करना पड़ता है, और दूर वाली को देखने के लिए हमारी आँख को लाइट को कम बेंड करना पड़ता है। कम बेंड मतलब होता है कम काम करना पड़ता है, कम काम मतलब क्या होता है, आराम से देख लोगे, और ज़्यादा पास कर दोगे तो ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। चलो मान लो वस्तु और पास आ गई भाई, वस्तु और पास आ जाएगी ना, तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, और अब कि यहाँ पे हम इमेज देख पा रहे हैं, तो ये देखो जरा ये कुछ ऐसा फोकस यहाँ पे आ गया, अब कि देखो और काम करना पड़ा यार। तो जितना वस्तु पास आएगी ना आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, और जितना उसी से दर्द होता है, अब मान लो इतना पास कर दोगे ना, बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा मैं तो समझिए ना, समझन क्षमता हमारी बात ना, समझन क्षमता क्या होती है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को छोटा या बड़ा करके फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समझन क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी चेंज होती रहती है, ठीक है ना, वस्तु की दूरी के हिसाब से। तो मैं इसको मिटाता हूँ, चलता हूँ बेटा, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है और नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, मैं आपको बता दूँ ये वाली बात। तो आपके सामने दो बढ़िया बढ़िया टॉपिक पड़े हैं बच्चों, एक है नेत्र का दूर बिंदु और एक है नेत्र का निकट बिंदु। पहले हम समझेंगे नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, फिर समझेंगे दूर बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं निकट बिंदु क्या होता है। देखो ये हमारा नेत्र लेंस है, सबको पता है, इसका रेटिना है ना, ये चलो मान लिया मुख्य अक्ष है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। आप जानते हो ना कि मतलब कि अगर मैं मार्कर पे लिखा अक्षर पढ़ पा रहा हूँ, देखो मैं इसको पास ला रहा हूँ, तो एक ऐसी दूरी न्यूनतम मिलेगी, उसके बाद आई नहीं देख पाएगी यार क्या हो रहा है इसके साथ, ब्लर हो जाएगा फिर से एक बार, यहाँ तक देख ले रहे हो, और पास लाओ, एक ऐसा समय आएगा ना वह निकटतम बिंदु कि जिस पर हमारी आँख ना इमेज को ड्रा नहीं कर पाएगी, उसी निकटतम बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु बोलते हैं। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोल रहा हूँ ना कि देखो जरा मान लो वस्तु यहाँ पे थी, तब हमने इसको देख लिया। देखो पहले बात तो जब वस्तु दूर होगी ना, अनंत पे होती है ना, अनंत पे जब होती है तब वस्तु को देख लेते हो, और फोकस कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है, फोकस कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। वस्तु को पास लाते गए, चलो मान लो यहाँ पे लाया कभी, तो इसका इमेज चलो मान लिया बना एक कुछ ऐसा यहाँ पे, ये फोकस बन गया इसका, फोकस बन यहाँ पे क्यों ना पता है ना, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ तो फोकस तो कन्फर्म हो जाएगा, ये बनना है।
या दूर वाले के लिए था, दूर वाला कमरा खत्म हो गया। अब मान लो मैं पास, मतलब कि लाइट इतना बेंड हुआ ना, मान लो और ला दो इनको, पास ला दो, तो अब की बार इनको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, ए रुक जाओ, अब की बार ये ऐसे जाएगा और फोकस को बेटा और आगे आना पड़ेगा, देखो जरा ये ऐसा कुछ आना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो यार देख रहे हो ना, यहाँ तक बेंड कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना, अब वस्तु को आगे ला दोगे ना तो अब बेंड होने वाला नहीं है, अधिकतम यही इसी को बोलते हैं न्यूनतम फोकस दूरी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं न्यूनतम फोकस दूरी, मतलब कि न्यूनतम फोकस दूरी बोलते हैं। इससे कम फोकस नहीं पाना, अब वस्तु को आगे कर दोगे ना तो इमेज ड्रा नहीं होने पाएगा, अगर मान लो अब वस्तु को आगे कर दोगे ना तो जानते हो क्या होने वाला है, ए वाली रे ऐसे गुजर जाएगी और वो वाला वहीं पर भर जाएगा, उससे कम फोकस होना नहीं। देखो अभी ऐसे किरणें आ रहे हैं ना, अब इमेज नहीं बनेगा, यानी कि बेटा अगर इसको बहुत पास कर दोगे ना तो ब्लर हो जाता है, फिर भी इसीलिए ऐसा होता है। हमको लगता है कि आप समझ गए होगे मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला बेटा कि नेत्र, इसी को नेत्र का निकट बिंदु बोलते हैं, यहाँ तक देख पा रहा है, इसकी न्यूनतम फोकस दूरी होती है कि, अब बात आती है न्यूनतम फोकस दूरी क्या होती है, कि हम बोलेंगे कि नेत्र के लिए वह निकटतम बिंदु, नेत्र के लिए वह निकटतम बिंदु जिसको नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर उस वस्तु को देख सकता है, उसी के द्वारा बनाई गई फोकस दूरी न्यूनतम फोकस दूरी कहलाती है। अच्छा देखो जरा, सबसे कम फोकस दूरी यही है, ए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये वाला इसको मिटाता हूँ मैं, ए इसको हटा दो ऑफ, ठीक है। अब देखो जरा, यही सबसे न्यूनतम फोकस दूरी है, अब फोकस तो मिलने वाला है ही नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक फोकस का रेंज हमारा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह वाला फोकस रेंज है, यह क्या फोकस रेंज है, मान लो यहाँ लोगे तो यहाँ से रे जाएगी, यहाँ लोगे अरे यहाँ लोगे तो यहाँ से जाएगी, यहाँ लोगे तो यहाँ से जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा बेंड कहाँ करना पड़ा, इसी वाले पे, सबसे न्यूनतम फोकस दूरी पे, है ना, यहाँ पे हमारी यहाँ को सबसे अधिक काम करना पड़ता है। तो इसी के लिए बोलते हैं कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को देख लेता है, यहाँ पे सबसे अधिकतम समंजन क्षमता लगती है, यहाँ पे सबसे अधिक काम करना पड़ता है नेत्र को, यहाँ पे लाइट बेंड इतना ज़्यादा करना पड़ता है, लाइट थे पड़ जाना चाह रहा था लेकिन इतना बेंड करना पड़ा क्योंकि वस्तु बहुत ज़्यादा पास है, इसी को नेत्र का निकटतम बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके वस्तु को देखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को वस्तु की न्यूनतम दूरी बोलते हैं, उसी हम नेत्र का निकट बिंदु बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र का निकट बिंदु यही है, इसके पास कर दोगे ना तो इमेज नहीं बनने वाला है। तो क्या बोला मैंने, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है बेटा, तो बोलोगे वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, देखो यहाँ पे कट किया ना, यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसा, उसे हम क्या बोलते हैं, नेत्र का निकटतम बिंदु बोलते हैं। और दूरबिंदु किसे कहते हैं, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेत्र का दूरबिंदु बोलते हैं। मैंने क्या बोला, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है, उसे क्या बोलते हैं, नेत्र का दूरबिंदु बोलते हैं। दूरबिंदु होता है अनंत पे, कहाँ पे होता है, अनंत पे, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ पे होता है, अनंत की वस्तुओं को बड़े आराम से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख तो रहा हूँ, देखो वहाँ बाग में क्या हो रहा है, नहीं बताया, देखो सब कुछ आराम से दिख रहा है मुझे, लेकिन पास वाली को देखना है ना तो कष्ट होना होता है, क्योंकि बेटा लाइट बेंड कराने पड़ते ज़्यादा। अच्छा एक बात देखो जरा, एक स्वस्थ मानव जानते हो 25 सेंटीमीटर देख सकता है नॉर्मल, आपका तो 12-13 भी हो सकता है, लेकिन बेटा नॉर्मल एवरेज बताया जाए तो निकटतम बिंदु कहाँ पे होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर पर, स्वस्थ आँखों के लिए निकटतम बिंदु कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पर, इसे दिखाते हैं कैपिटल डी से, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर से अगर वस्तु आगे आएगी ना तो हमारी आँखों के लिए नुकसान होगा, तो उससे ज़्यादा बेंड नहीं कराना, लाइट चाहिए हमको, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो आप उसको स्पष्ट ढंग से देख सकते हो
और अगर हालांकि हम लोग 25 के आगे भी देख सकते हैं, अभी दिख रहा है ना, देखो इतना फासला है तभी देख ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मल क्या होता है 25 सेंटीमीटर निकटतम, नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब क्या कि 25 सेंटीमीटर से अगर वस्तु आगे आएगी तो उसका इमेज सही से नहीं बनेगा, 25 पे सबसे टॉप बनता है। दूर बिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। नेत्र का निकट बिंदु कहाँ पे होता है, नेत्र का निकट बिंदु कहाँ पे होता है, डी पर होता है यहाँ पे, और दूरबिंदु कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है। अनंत और डी तक की दूरी को जानते हो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग बेटा दृष्टि विस्तार। क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार। कोई बोलेगा दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, तो बोलना कि नेत्र के लिए निकटतम बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, नेत्र के लिए निकटतम बिंदु और सॉरी दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार बोलते हैं। तो आप समझ गया ना, निकट बिंदु क्या होता है यार, कि एक हद तक मतलब कि पास लाते जाओगे ना तो इमेज दिखेगा, उसके बाद पास लाओगे तो नहीं दिखेगा, तो अंतिम जहां हद खत्म होती है वही निकट बिंदु कहलाता है। दूर वाले के लिए अनंत पे होता है, नज़दीक वाले के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो बेटा आप ये अभी बात समझ गए और समझ सकते हो, हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट, दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है ना। ये समझे नहीं समझे बेटा, नेत्र का दूर बिंदु समझ गया ना कि वह अधिकतम दूरी जहाँ पे नेत्र बिना संवेदन क्षमता लगाए किसी वस्तु को देख सकता है, रिलैक्स आई, उसे दूरबिंदु कहते हैं। निकटतम बिंदु वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम संवेदन क्षमता लगाकर देखता है ना, उसे को बोलते हैं नेत्र का निकट बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बच्चों पढ़ते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष यहाँ पे होता है दो प्रकार का, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक क्या होता है दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और दृष्टि दोष मतलब कि जब हमारी आंखों के द्वारा वस्तुओं को सही से न देखा जाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारी आंखों के द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट ढंग से नहीं देखा जाता तो उसी को हम नेत्र का दोष बोलते हैं, उसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक क्या होता है दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि तत्व को थोड़ा उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, कि निकट की वस्तु क्या होती है दिखाई देती है, बट दूर की वस्तु ना दिखाई नहीं देती भाई। अच्छा कोई पूछता है क्या निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, तो बोलना ना कि नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। यह क्यों होता है, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और बेटा जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी ना, समझना मेरी बात का ध्यान से, नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है बढ़ जाती है, और जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी ना तो बेटा लाइट को जल्दी बेंड कर देगा, कम दूरी पर बेंड कर देगा। मैंने क्या बोला देखो जरा, चलो मान लिया अब इसका तुमको दिखाते हैं रे डायग्राम। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास ये, हमारे पास ये हमारा आई लेंस है, और ये हमारा क्या रेटिना है, और यहाँ पे हमारा क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो निकट वाली वस्तु है यहाँ पे, तो पहली किरण जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है सीधी क्या हो रही है निकल जा रही है, ओके कोई बात नहीं। दूसरी किरण जो गई इसको तो मैंने देख लिया ऐसा कुछ ऐसा, देखो ये हो गया हमारा फोकस, निकट वाली को मैं देख पा रहा हूँ। निकट में क्या होता है, मैं निकट वाली को देख पाता हूँ, दूर वाली को देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो जरा ये निकटतम वाला है, सबसे निकटतम मान लो डी पर रहा होगा, कहाँ पे होगा डी पर रहा होगा, और यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पर अगर वस्तु है तो पहली किरण जो कि ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी कुछ ऐसा, दूसरी जो ऐसे जाएगी ये कुछ ऐसा बेंड होगी, ये कुछ ऐसा, इसको मैं देख ले रहा हूँ नहीं, लेकिन सबसे जो अधिक दूरी पे है ना, ये मान लो यहाँ पे कोई दूरी इस वस्तु यहाँ पे कोई वस्तु है तो ये मैं नहीं देख पाता हूँ इसमें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि मैं निकट वाली वस्तु को देख ले रहा हूँ बट दूर वाली वस्तु को मैं देख नहीं पा रहा, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि नेत्र की जो क्षमता होती है ना, लेंस की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, और पावर पढ़ने का मतलब क्या, जल्दी बेंड कर देगा, बेंड क्या कर देगा जल्दी कर देगा। आप देखो अब फोकस यहाँ यहीं से यहीं तक हमको दिख रहा है बस, निकटतम तो सबके लिए फिक्स होता है भाई 25 होता है, और हमको यहाँ से यहीं तक खाली दिख रहा है, इसके बाहर आ जाओगे लेकिन ना तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फोकस का रेंज यहाँ से यहाँ तक हो गया हो, समझना मेरी बात को।
मैं 25 वाला देख ले रहा हूँ, निकट वाले मैंने क्या बोला पहले याद करो कि निकट वाली दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को देख लेते हो, दूर की नहीं देख पाते हो। तो हमने 25 से कहाँ तक देखा, यहाँ तक खाली देखा, हमने यहाँ से यहाँ तक खाली देखा, इसके बाहर जो वस्तु है ना वो नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ वाला न्यूनतम फोकस ही हो गया, अधिकतम फोकस ही हो गया, इसके बाहर तो फोकस ही नहीं हमारे पास है। तो दूर की कैसी देख पाओगे? मान लो यहाँ वाली वस्तु कुछ देखने के लिए आपको देखो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से जाएगा, यहाँ कहीं मिलाएगा और यह वाला कहीं यहाँ मिलाएगा, यहाँ फोकस तो मेरे पास सही नहीं। फोकस रेंज क्या हो गया? फोकस रेंज घट गया यार। फोकस रेंज क्या हो गया आपकी बार? घट गया फोकस बेटा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसी क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। मैंने क्या बोला, फिर सुनो मेरी बात को। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाली वस्तु पास की वस्तु है ना वो तो हमको आसानी से दिखाई देती हैं, बट दूर वाली दिखाई नहीं देती हैं, दूर वाली दिखाई नहीं देती हैं। देखो मतलब कि यहाँ पे फोकस क्यों नहीं बना भाई? क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई तो भाई जब ज़्यादा बल हो जाएगा, बल ज़्यादा हो जाएगा ना तो उल्टा पुल्टा काम करेंगे। इनको इतने बेंड देखो, अनंत वाली वस्तु देखने के लिए ना इनको इतना ही बेंड करना चाहिए था, इतना बेंड करना चाहिए था, इतना अगर बेंड कर लेते अपने देखो ऐसे जाता, अगर इतना बेंड कर लेते 20 डिग्री अगर मान लो तो दिख जाता, लेकिन बेंडिंग बढ़ गई है क्योंकि पावर क्या हो गया, बढ़ गया है। इतना ना मोड़ के इतना मोड़ दे रहे हैं तो उल्टा, ज़्यादा उल्टा कर दे रहे हैं, नहीं तो यहीं पे कट जा रहा है। अब अनंत वाली वस्तु मान लो यहाँ पे है तो ये वाली ऐसी चलेगी, ऐसे नहीं दिख समझ आ रहा, ऐसे देखो जरा मैं मिटाता हूँ उनको भाई, ए रुक जाओ। चल अनंत वाली को मान लो देखना था इनको, अनंत वाली को ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है, ठीक है ना। इनको देखना था, एक रे ऐसे जाएगी तो गुजर जाएगी, लेकिन दूसरी वाली को ऐसे जाना चाहिए था ना, यहाँ पे इसको काटना चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं, लेंस की क्षमता बढ़ गई, जल्दी ही मोड़ देगा, यानी कि ज़्यादा काम कर देगा, यहीं कहीं काट देगा इनको लोग। अब कहाँ बनने वाला है? नहीं बनेगा इमेज रेटिना पर, जहाँ कटेगा इमेज वही यानी कि रेटिना के पहले बन जाएगा। और मैंने आपको बताया ना इनका फोकस वास्तव में ऐसे था या ऐसे, ये फोकस जानते हो, फोकस रेंज यहाँ से यहाँ हो गया है ना, पावर बढ़ गया है इसीलिए जल्दी बेंड कर दे रहे हैं। बेंड देखो मतलब कि यहीं पे बेंड कर दे रहे हैं, यहीं पे मतलब ज़्यादा बेंड कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बेंड, जबकि इनको 20 डिग्री बेंड करना चाहिए था, 40 कर दिया। 40 क्यों कर दिया? क्योंकि क्षमता बढ़ गई है, और क्षमता बढ़ गई है तो 40 तो करना ही पड़ेगा, अपने आप कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं दोष बोलते हैं। अब क्षमता कम करनी पड़ेगी पावर को, समझ गया ना। तो मैंने बोला ना निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपने आसान लहजे में समझ लिया कि निकट दृष्टि दोष में इंसान को निकट वाली वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। एक मतलब निश्चित दूरी तक, मतलब कि एक निकटतम निश्चित दूरी तक हमको वस्तु दिखाई देगी, उसके बाद हमको दिखाई नहीं देने वाली है। क्यों? क्योंकि फोकस रेंज कम हो जाता है। अब देखो जरा क्या बात है यहाँ पे, अब इसको दूर करना हमको, अब चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, लेंस की क्षमता बढ़ गई है, तो क्षमता बढ़ गई है तो अब क्षमता घटाओ इनकी। अच्छा आपने पढ़ा है लेंसों का संयोजन, पावर पढ़े हो ना, पावर पी बराबर क्या होता है, P1+P2+P3+... और जानते हो कि उत्तल लेंस का पावर प्लस का होता है और अवतल का पावर क्या होता है, माइनस का। चलो मान लो इनका पावर 100 का रहा हो, इनका पावर चलो मान लो 100 डाल्टन रहा हो, तो पावर घटाना है हमको ना, पावर क्या करना है, घटाना है। और पावर घटाने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल की अवतल। अगर मान लो कोई बच्चा फिर से उत्तल लगा देगा तो पावर और बढ़ जाएगा, यानी क्या लगाना, क्योंकि हमको पावर घटाना है तो और मान लो कोई उत्तल लगा दे तब तो और यहीं कहीं बंद कर देगा इनको, तो दिक्कत हो जाएगी ना, यानी कि पावर क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा, अरे घटाना पड़ेगा। अब पावर घटाने के लिए अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लगा दोगे ना तो अवतल का पावर कैसा होता है बेटा, माइनस का होता है। अवतल का पावर कैसा होता है, माइनस का। चलिए मान लिया 100 है तो माइनस का 50, अब देखो 50 डाल्टन हो गया, पावर कम हो गया हम ना। तो लेंस लगाया जाता है आँखों के ऊपर, या तो लेंस लगाओ या तो जेटा चश्मा लगाओ उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आपको निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। अब निवारण में क्या है, निवारण में यही है कि उचित फोकस दूरी का क्या लगाओगे, अवतल लेंस। क्या लगाओगे, अवतल लेंस, ताकि इसका पावर कम किया जा सके, ताकि इसका पावर कम किया जा सके, अवतल लेंस लगाओगे। अवतल देखो इसका तो प्लस का होता है पावर, अरे भाई पी बराबर 1/f में f होता है उत्तल का, f प्लस होता है तो पावर प्लस का आएगा, अवतल का f होता है माइनस का, इसका पावर कैसा आएगा, माइनस का आएगा।
तो इसका तो प्लस का पावर घटाने के लिए यहाँ पे अवतल लगाएंगे तब ना घटेगा वो पावर उसका, और पावर घट जाएगा तो बेंडिंग पावर बेंडिंग क्षमता घट जाएगी, और बेंडिंग क्षमता घट जाएगी तो यहाँ कहीं जाके मोड़ेगा अपना, मतलब यहीं कहीं तो इतना थोड़ी काम कर पाएगा। अब तो पावर घटा दिया ना, बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया तो घटा दिया, अब अपना मोड़ ले रहे हैं आराम से, उचित फोकस दूरी का यूज़ किया जाता है। अच्छा इसका हो गया, निवारण हो गया ना। कारण क्या है इसका? कारण तो पहली बात यही है कि नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और इसका कारण और है ना कि नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है। देखो जरा नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा फोकस आगे आ जाता है, नहीं फोकस आगे आने का मतलब क्या है कि चपूटा हो जाता है। देखो अब बताओ, अब हमको जरा बताओ, ये है ज़्यादा वक्र है कि यह ज़्यादा वक्र है? अब बताओ ये अवक्र में ज़्यादा है कि यह अवक्र में ज़्यादा? तो आपको लग रहा है अवक्र में ज़्यादा है। अरे भाई ज़्यादा गोली है ना या कम गोली है, तो वक्रता बढ़ गई तभी तो फोकस कम हो गया। फोकस कम आगे क्यों आ गया? क्योंकि वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई, यानी गोला छोटा हो गया। गोला क्या हो गया यार? छोटा हो गया, शार्फ हो गया, ठीक है ना। और अगला क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। अगर इनको देखा जाए, पहले देखो शुरुआत नॉर्मल में आई, नॉर्मल आई के लिए फोकस का विस्तार यार यहाँ से यहाँ तक था, है ना, लेकिन जब खुद नुकसान हुआ ना तो यहाँ पे आ गया, यानी कि अब इतना बड़ा गोला बना रहा है, अब इतना बड़ा गोला बना रहा है, अब वास्तव में इतना बड़ा गोला है ना। ये देखो नेत्र लेंस का क्या हो गया, गोला क्या हो गया, बढ़ने गया इसके हिसाब से, गोला के बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गोलक बढ़ गया क्योंकि फोकस आगे आ गया ना। अब इतने में काम है हमारा हो रहा है, अब भाई होबर नहीं कर रहा है यार, ये तो होबर नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि नेत्र लेंस का गोलक क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ गया। चलो ठीक है, अच्छा समझे नहीं समझे? अरे भाई सुनो, पहले यहाँ से यहाँ तक स्वस्थ वाले के लिए था, लेकिन अब तो बेटा फोकस घट के यहाँ तक, रेंज घट गया फोकस का ना, फोकस का रेंज देखो यहाँ पे हाँ बनाया था, देखो घट गया फोकस का रेंज, यानी गोला छोटा हो गया, ये वाला गोला छोटा हो गया। ये हमारे देखने वाला है नॉर्मल, जो मेन वाला आई है ना उसका गोला देखो बढ़ गया, इसके अपेक्षा देखो बड़ा नहीं है। दूर दृष्टि दोष को देखते हैं, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, इस बात को पहले याद कर लो। अच्छा नेत्र लेंस की क्षमता घटने का मतलब आप समझ सकते हो यार कि बेंडिंग काम उसका करना होता है। जब पावर घट जाएगा तो बेंडिंग भी घट जाएगा, जब पावर घट जाएगा ना तो बेंडिंग भी क्या घट जाएगा। देखो जैसे मान लो इसमें क्या होता है, एक मिनट, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, एक मिनट। तो बच्चों होता है इसमें क्या है कि दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, यानी कि जो आई की पावर है ना वो कम हो जाती है। और इसमें परिभाषा क्या होती है कि दूर दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तुओं को हम देख पाते हैं बट निकट वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। दूर वाली वस्तुओं को हम देख पाते हैं लेकिन निकट वाली वस्तुओं को देख नहीं पाते, यानी कि फोकस आगे भाग जाता है। फोकस कहाँ भाग जाता है आपकी बार? आगे भाग जाता है। ऐसे कुछ देखते रहे डायग्राम में, ए हमारा ऐसा, और ये हमारा क्या ऐसा, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, और दूर वाली वस्तु को हम देख पा रहे हैं यानी कि यहाँ पे कहीं कट कर रहे डिनर पर, ठीक है ना। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि निकट वाली को मैं बेटा नहीं देख पा रहा हूँ, जो पास वाली है ना यार, देखो इसका रेंज होगा यानी कि इतना दूर तक हम देख पाएंगे, यानी कि इस वाले का भी इमेज बन जाएगा, इस वाले का भी इमेज इस वाले फोकस से बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसा, ये मान लो पहला ऐसा जाएगा, दूसरा वाला बनाने के लिए कुछ ऐसा जाएगा, बना लेगा, लेकिन इस वाले के लिए ना ये वाला ही बना लेगा, ऐसे जाएगा यहाँ पे अपना कट करा लेगा, और ये वाला यहाँ पे जाके बेंड कराएगा अपने वाले पे, अपना वाला ही बना लिया। लेकिन जो पास वाली वस्तु है ना यार, इसका नहीं बनने वाला, क्योंकि अब की बार जानते हो क्या होने वाला। देखो ये वाला चूँकि अब की फोकस यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक हम देखो अनंत से लेके यहाँ तक देख पा रहे हैं वस्तु को हम, तो यहाँ फोकस रेंज हमारा तय हो गया, फोकस रेंज हमारा वास्तव में थोड़ा आगे भाग जाता है, ये रेंज यहाँ तक कहीं आ जाता है, ठीक है। रेंज कहाँ आ जाता है बेटा? बाहर कहीं आ जाता है। ये हमारा मेन फोकस है एफ, और ये क्या है एफ डैश। फोकस मतलब कि यहाँ वाला फोकस घटा तो कहाँ, आगे तो जाना जा रहा है, क्योंकि इस वाली वस्तु को यहाँ पे आने के लिए बेटा देखो यहाँ से यहाँ पहली जानी चाहिए थी। मैं इनको बिठाता हूँ थोड़ा सा, ऐसा डालो
और दूसरी वाली रे कुछ ऐसी ऐसे बेंड करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो फोकस है ही नहीं, फोकस तो आगे भाग गया है। फोकस कहाँ भाग गया है? आगे भाग गया है, ठीक है ना। तो देखो अब की बार फोकस कहाँ पे आ गया भैया? भैया की फोकस आगे आ गया तो यहाँ पे नहीं कट कर पा रहा है। अगर फोकस यहाँ रेंज यही वाला रहता ना तो समझ में आता कि हाँ बन जाएगा, लेकिन फोकस रेंज अब ये वाला हो गया है तो पास वाले वस्तु को दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा इसके निवारण में क्या करेंगे। अच्छा कि देखो जरा क्या हो गया रहा है यहाँ पे। देखो बेंडिंग क्या होनी है, देखो यहाँ पे ऐसे बेंडिंग इनको बढ़ानी है, बेंडिंग यहाँ तक लानी है, ऐसे यहाँ तक बेंडिंग ज़्यादा करनी है। तो बेंडिंग ज़्यादा करने के लिए क्या लगाओगे? पावर अगर 10 का तो 20 करना, तो क्या लगाओगे? उत्तलेंस लगाओगे। निवारण के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? निवारण के लिए लगाओगे यार उत्तलेंस लगाओगे। अच्छा ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका? कारण इसका यही है ना कि अब की बार नेत्र लेंस की जो वक्रता है ना वो क्या होती है, यहाँ वाले में वक्रता बढ़ जाती है और यहाँ वाले में वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, अरे घट जाती है। यहाँ वक्रता बढ़ी थी और यहाँ वक्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो वक्रता कम हो गया तो फोकस बढ़ गया, फोकस बढ़ गया तो देखो कम ही बेंड कर रहा है, कम ही बेंड कर रहा है, बहुत कम बेंड कर पाता है। तो ज़्यादा बेंड करने के लिए इनको छोटा करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हम या तो अपने आई में लेंस चपकवा लें उत्तल लेंस, या तो उत्तल लेंस का चश्मा लगवाएं, क्योंकि हमको और बेंडिंग करनी है। देखो नॉर्मली याद करने के लिए आप जान लो दूरदृष्टि दोष में क्षमता घट जाती है, क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस ही लगाना है, और निकट वाले में क्षमता बढ़ जाती है घटाने के लिए अवतल लेंस लगाना होता है उचित फोकस दूरी का। तो कारण और एक बात और, अब देखो अब की बार क्या लग रहा है कि गोलक छोटा, वास्तव में गोलक इतना बड़ा होना चाहिए था देखने के लिए, लेकिन अब की लगता है गोलक छोटा हो गया। नहीं कि यहाँ पे नेत्र का गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, गोलक क्या होता है यहाँ पे, छोटा हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि आप हमारी बातों को भली भांति समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर वाली वस्तु आपको दिख जाएंगी, दूर वाली सब दिख जाएगी, फोकस के अंदर आ जाएगी, लेकिन निकट वाली ना फोकस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि फोकस तो बाहर भाग गया है। फोकस कहाँ भाग गया है? यहाँ से घट के यहाँ भाग गया है। समझ गया हमारी बात को। तो अब हम लोग चलेंगे सवालों पे, कुछ आंकी सवाल लगाए जाएंगे ताकि आपको और बेहतरीन ढंग समझ में आए। सवाल लगाओगे तो बेहतरीन होगा ना कुछ ना कुछ, तो इसको मिटा के चलते सवाल पे बेटा। न्यूमेरिकल लगाते हैं, हमने अपने नोट्स में आपको न्यूमेरिकल लगवा दिया है, मैं उसी को समझाने का काम करने वाला हूँ। तो लिखा है सवाल में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अच्छा पहली बात देखो, आदमी को क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्या हुआ है? निकट दृष्टि दोष हुआ है। अच्छा बताओ निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, यानी कि पावर बढ़ जाता है। फिर अगर मान लो इसका निवारण करना है, निवारण सीधे निवारण बताते हैं पहले इनका, तो क्या लगाओगे? अवतल लेंस लगाओगे ताकि इनका पावर घट जाए। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अब अधिकतम कितना बोल रहा है कि 20, देखो पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ह्यूमन का आई का लेंस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेटिना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि अधिकतम यार 2 मीटर तक देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हो? 2 मीटर तक देख सकते हो, चलो ठीक है। अच्छा और 2 मीटर तक देख सकता नहीं, यानी कि निकट वाला अगर है ना तो निकट वाली को देख पा रहा होगा, लेकिन दूर वाली को नहीं देख पा रहा होगा। सीधी सीधी बात है, निकट वाली वस्तु को देख पा रहा है और दूर वाली को नहीं देख पा रहा है, यानी कि जो वस्तु यहाँ पे अनंत पे है ना उनको नहीं देख पा रहा है, तो दिक्कत है यार इसके साथ। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल वाला लेंस करेगा क्या यार यहाँ पे, क्या करने के लिए? और सवाल क्या पूछा है? पूछा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, किस पावर का, अगर उसका मतलब कि सही करना है तो दोस्त तो कितने का करना चाहिए ना। तो जो वस्तु अनंत पे है तो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यही चाहेंगे अनंत पे वाली वस्तु का इमेज, क्योंकि यहाँ तो 2 तक दिखाई दे रहा है, 2 मीटर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यही चाहूँगा अनंत वाले का इमेज 2 पे बन जाए। 2 पे जो इमेज बन जाएगा तो ये बना के अपना दिखा लेगा, अपना खत्म हो जाएगा बात। यानी कि यहाँ पे देखो पी बराबर निकालना होता है 1/f, ये कमान तो पता नहीं हमको, तो चूंकि क्या होता है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v-1/u होता है ना, तो 1/f नहीं पता, 1/v कितना है, देखो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो u का मान माइनस का इनफाइनाइट,
ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। वी का मान कहाँ तक, अनंत वाले का यहाँ पे लाके बना दोगे, देख लेगा आराम से, दो माइनस का हो गया क्योंकि ये भी दरी तो है। आपको चिन्ह परिपाटी याद नहीं आता, आपतितकरण की दिशा में जो लेते हो प्लस लेते हो, और जो आपतितकरण की विपरीत जो दूरी लेते हो माइनस की लेते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर माइनस का 2 मीटर। तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी बराबर देखो 1/-2, यानी कि पी बराबर माइनस का 0.5 डायोप्टर। आंसर समझो मैंने क्या हुआ है, निकट हुआ है, निकट दृष्टि दोष इंसान को हुआ है, इंसान को क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है ना। तो पहली बात तो अनंत वाली दिख नहीं रही है, पास वाली दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अनंत वाली जो वस्तु है उसका इमेज यहाँ बन जाए, तो यू का मान अनंत हो जाएगा, वी का मान 2 मीटर हो जाएगा, बस खत्म, बात लग गया सवाल आपका। अब सवाल नंबर देखो, इसका दूसरा क्या बोलता है, दूर दृष्टि दोष पर आधारित सवाल हमारा। अब की बात कर रहे हैं ना कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। एक इंसान को दूर दृष्टि दोष हुआ है, वह कम से कम 40 सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष हुआ है यार इंसान को, तो निकट का दिख नहीं रहा होगा। अगर दूर दृष्टि दोष या इंसान को क्या हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट का नहीं देख पा रहा होगा, तो निवारण में क्या है, उत्तल लेंस लगवा दो। क्या लगवा दो, उत्तल लेंस लगवा दो। यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूर वाली वस्तु को देख ले रहा है बट पास वाली को नहीं देख पा रहा है। जो वस्तुएं दूरी पर है ना उनको तो गुड कर ले रहा है, देख ले रहा है, लेकिन जो पास है ना उसको नहीं देख पा रहा है बेचारा। तो कहता क्या है, इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जब दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर वाली को देख ले रहा है, पास वाली को नहीं देख पा रहा है। पास मतलब नजदीक 25 सेंटीमीटर वाले को नहीं देख पा रहा है ना। चलो ये निकटतम मान लो d बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो मैं चाहता हूं निकट वाले का इमेज दूर बना दे, और क्या यहां पे ऐसा कोई लेंस लगा दो। पहली तो पता है कि उत्तल लेंस ही लगाएंगे, उत्तल लेंस ऐसा कोई लगा दो को निकट वाले का इमेज यहाँ का ही बनाए, इतने जहाँ पे देख पा रहा हो भाई, जिस दूरी तक देख, दूर दृष्टि दोष हुआ है ना, तो दूर वाले को देख ले रहा है, निकट वाले को नहीं देख पा रहा है। तो मतलब कि निकट वाला जो वस्तु अगर उसका इमेज यहाँ दूरी पे बन जाए तो काम बन जाएगा यार। अरे कितना है, 40 सेंटीमीटर, कितना है, 40 सेंटीमीटर। 25 वाले का इमेज 40 से बना तो काम बन जाएगा। तो चूंकि दोनों आपतितकरण के विपरीत हैं, 1/i बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/f तो निकालना ही है। 1/v ये भी आएगा 1/-40, और ये कितना आएगा, प्लस का 1/25, क्योंकि इसका माइनस इसका माइनस हो जाएगा प्लस, इसका माइनस इसका माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा बेटा, ये एफ का मान आएगा लगभग 66.67 सेंटीमीटर। और एफ का मान प्लस जानते हो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है। यहाँ पे एफ का मान जानते हो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है। अब बेटा पावर निकालना है ना, तो 1/6 ऐसे लगा दोगे, मीटर में लगा दोगे तो 0.6667, ये आएगा लगभग बेटा पावर का मान 1.5 डायोप्टर। देखो भाई, अब की निकट वाली को देख पा रहा था, दूर वाली को नहीं देख पा रहा था, समझना मेरी बात को। अब की बार निकट वाली को देख पा रहा, दूर वाली को नहीं देख पा रहा था, अरे यार सॉरी, दूर वाली को देख पा रहा था, निकट वाली को नहीं देख पा रहा था, तो 40 तक देख ले रहा है, तो निकट वाले का इमेज 40 में बना दो एक बार। ये वाला लेंस क्या करेगा, इनका इमेज यहाँ बना देगा और अपना आई देख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वस्तु के द्वारा बनाया, पहली लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरी वाले लेंस देख लेगी आराम से। तो सवाल लगाने आपको आगे कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। देखो बेटा, जब आपके पास निकट दोष रहा होगा ना, तो आप अवतल का प्रयोग करेंगे और यू का मान इनफाइनाइट और वी का मान जहाँ तक दिखेगा। और जब आप दूर दोष वाले पीड़ित रहोगे ना, तो बेटा वस्तु का मान यानी कि वी का मान रहेगा जहाँ तक देख पाओगे, और यू का मान 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। ये सवाल हमारा ख़त्म होता है। अब हम बेटा देखते हैं यहाँ पे एक टॉपिक और देख लेते हैं, एक है जरा दूर दृष्टिता किसे कहते हैं, ये भी एक रोग है जरा दूर दृष्टिता। तो आय में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं यानी कमजोर हो जाती हैं। अगर आपकी आय लगातार बढ़ रही है, मतलब कि भाई अब 25 साल 50 साल के अगर हो गए, तो उतनी आँखें हमारी पुरानी हो रही है ना, तो आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे ही जरा दूर दृष्टा कहते हैं।
मतलब कि हम आई में वृद्धि के साथ साथ हम ना तो दूरी की ओर देख पाते हैं ना तो नज़दीक के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टा बोलते हैं। इसके उपचार के लिए आप द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हो। द्विफोकसी मतलब क्या होता है, उत्तल अवतल दोनों, नेत्र चश्मा रहेगा, चश्मे में ऊपर अवतल लेंस लगा होगा, नीचे क्या होगा, उत्तल लेंस लगा होगा, ठीक है ना। और अगला है वर्णांधता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख तक सकता है। वर्णांधता क्या होता है बेटा, ये होता है जीन्स प्रॉब्लम से होता है, अनुवंशिक रोग है कि आप रंग को नहीं पहचान पाओगे, कुछ विशेष रंगों को आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है ना। वो होता है वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता होता है। कारण क्या है, मनुष्य की आंखों की शंकुआकार कोशिकाएं कम हो जाती हैं। हमारे आंखों में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हमारा होता है जो प्रकाश की तीव्रता होता है दंडाकार होता है, और जो रंग वाला होता है वो मतलब शंकुआकार होता है, शंकुआकार वाला कम पाया जाता है तो रंग नहीं पहचान पाता इसी तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पाठ आपको समझ में आया होगा। सवालों को आप लगाते रहो, ये सवाल में बहुत कठिन बात नहीं है, ये तो आपका आसानी है कि वी का मान मतलब कि निकट दोष में क्या होता है कि आप निकट की देख लेते हो, दूर की देख पाते हो, तो मैं दूर वाला चाहता हूँ यहाँ पे बन जाए तो वस्तु वाला इन्फाइनाइट हो जाएगा, वी वाला ही हो जाएगा, और यहाँ पे वस्तु वाला 25 वी वाला जो बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा वीडियो पसंद में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फिर हमको बताएंगे, और फिर कॉपी मेंटेन कर लो आप, और अगर कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ना तो हमको बता दिया करो ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, ठीक है ना। और आपको बताओगे तो हम बेहतर कर पाएंगे बच्चे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।